हे गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू गुरु रेड्डी चैनल। और भाई, क्या हाल है आपका? बढ़िया ना? तो गाइस, आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे कुछ इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग करना। जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि यार, मैंने कुछ दिन पहले जो है ये फ़ोटो अपने कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड करा था एंड पूछा था इसका एडिटिंग ट्यूटोरियल आप लोगों को चाहिए या फिर नहीं। तो भाई यार, इतने सारे कॉमेंट आए ना भाई, मैं देख के खुश हो गया। एंड भाई, कॉमेंट जो है एक भी नहीं में जवाब नहीं आया, सबका हाँ में ही जवाब आया। एंड कुछ लोग तो भाई बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं जल्दी वीडियो बनाओ। तो इसलिए भाई आपका जो है वीडियो लेके आ चुका है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा एंड हेल्पफुल रहेगा। एंड गाइस, वीडियो को कंप्लीट देखना और इंस्टाग्राम पर मेरा हैशटैग यूज़ करा करो यार, तभी तो आपके भी फोटो पे लाइक्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आप लोग क्या है कि इस तरह का एक फ़ोटो क्लिक करवा लेना है। एंड फोटो क्लिक करवाने के बाद आपको नॉर्मली आपको लाइट रूम एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। एंड गाइस, इसका लाइटिंग एडजस्टमेंट आपको ऑटोमेटिकली कर लेना है। ओके, चाहो तो आप मैनुअली भी कर सकते हो अगर आपका लाइटिंग एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक ना हो पाए अच्छा तो। एंड हम कलर वाले ऑप्शन में आएंगे, इसके अंदर वाइब्रेंस को आपको बढ़ा देना होगा गाइस। एंड हम मिक्स कलर में आ जाएंगे गाइस। हम लाइटरूम में ज़्यादा कुछ वर्क करने वाले नहीं हैं, तो बस वीडियो को देखते रहो। तो हम रेड कलर का हमने सेचुरेशन को बढ़ाया सबसे पहले थोड़ा सा, ऑरेंज कलर का हमने ल्यूमिनस बढ़ाया है क्योंकि हमारा मॉडल का जो फेस है बहुत ज़्यादा डार्क है। एंड गाइज, मैंने सेचुरेशन कम करा है जिससे फेस थोड़ा सा वाइट हो जाएगा। एंड येलो कलर का गाइज ह्यू 100% आपको माइनस करना है, सेचुरेशन को बढ़ाना है। ग्रीन पे भी आपको सेम चीज़ अप्लाई करना है। एंड एक्वा कलर का गाइज आप लोगों को जो ह्यू हल्का सा कम करना है। ब्लू कलर का भी आपको ह्यू कम करना है। एंड सेचुरेशन बढ़ाएंगे। एंड सिंपल यहाँ से बाकी सारे कलरों का जो है सेचुरेशन निकाल देंगे, जो भी फालतू के मतलब हमारे फोटो में कलर है ही नहीं। ठीक है, एंड यहाँ पर हम इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में आएंगे एंड क्लियरिटी को बढ़ाते हैं सबसे पहले। और गाइस, यहाँ पे हम टेक्सचर को बढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छा हमारे फ़ोटो में चमक आ जाएगा। डीहेज को बढ़ा देंगे, हमारी फ़ोटो की क्वालिटी जो है और ज़्यादा हो जाएगी अगर डीहेज हम बढ़ाते हैं तो। ओके, अब गाइस हमारा देख सकते हो फोटो हमारे रिटचिंग हो चुका है, बट हमारा फिनिशिंग अभी तक नहीं हुआ है। जब हमारा फिनिशिंग में भाई एडिटिंग आप लोगों को भी पता है कैसा होने वाला है। तो वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं करा है तो लाइक कर देना। एंड वीडियो गाइस कंप्लीट देखना, लाइक करो या मत करो, बस कंप्लीट देखो। मैं चाहता हूँ आप लोग एडिटिंग मेरी तरह ही करना सीख जाओ एंड आप लोग भी यार आगे बढ़ो, है ना। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को जो है फोटो लाइटरूम से शेयर करना है आपको स्नैपशॉट एप्लीकेशन में। स्नैपशॉट में आने के बाद आपको इसमें भी आपको लाइटिंग का एडजस्टमेंट करना है, थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ाएंगे एंड एम्बिएंस को हम बढ़ा लेंगे इतना, एंड शैडो को इतना बढ़ाएंगे। और गाइस, सारी सेटिंग जो है ना मेरी तरह एकदम सेम टू सेम मत बढ़ाना, मैं आपको बस स्टेप बता रहा हूँ, बाकी आपको अपने फ़ोटो के हिसाब से बढ़ाना होगा। ठीक है, एंड फिर हमें चलना है दोबारा से टूल्स में। एंड इस बार हम सिलेक्टी टूल में आएंगे और इस बार गाइज हम अपने फेस के ऊपर सिलेक्शन बनाएंगे। कहीं पर भी आपको सिलेक्शन बना लेना है अपने फेस के ऊपर एंड इस तरीके से सिलेक्शन छोटा कर लेना है जिससे सिर्फ आपका फेस कवर होगा। एंड उस पर हम क्या करेंगे, ब्राइटनेस बढ़ाएंगे। बी वाला ऑप्शन ब्राइटनेस होता है एंड एस वाला ऑप्शन सैचुरेशन होता है, तो सैचुरेशन को हम कम कर देंगे। ओके, और एक ही सिलेक्शन से ना हो पाए अच्छे से मतलब आपका, तो आप दो सिलेक्शन तीन सिलेक्शन बना के भी मतलब अलग अलग जगह पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, एंड गाइस आप लोग भी यार इस तरह की एडिटिंग कर लेते हो ना यार मेरी तरह सेम टू सेम, तो यार मुझे टैग करा करो इंस्टाग्राम पे, तभी तो मैं आप लोगों के फोटोज भी लाइक करूंगा एंड अपनी स्टोरी पे भी लगाऊंगा यार बहुत ज़्यादा। अगर आप लोगों की जो फोटो अच्छी होगी, मुझे अच्छी लगेगी, तो आप लोगों की जो फोटो अपनी स्टोरी पे भी मेंशन करूंगा। ओके, अब यहाँ पे सिंपल हमें आना है ब्लर वाले टूल में। गाइज, यहाँ पे आपको लेंस ब्लर का यूज़ करना है। ठीक है, बहुत ही मतलब अच्छा खासा इससे हमारा ब्लर इफेक्ट मिल जाता है, बिल्कुल DSLR वाला जो है ब्लर लगता है एकदम रियल। तो गाइज यहाँ पर हम विगनेट को कम करेंगे, ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा कम करेंगे एंड ब्लर को गाइज यहाँ पर हम ज़्यादा रख लेंगे, हमें बैकग्राउंड थोड़ा ज़्यादा ब्लर चाहिए। एंड सिंपल हम यहाँ से कर लेंगे डन। बट गाइज, ये हमारा ब्लर जो है पूरे फोटो पे आ चुका है, तो इसको क्या करना होगा, चलना है पे अंडे वाले ऑप्शन पे एंड व्यू एडिट्स में आएंगे। इसके अंदर आने के बाद गाइज देख सकते हो हमारा इन्वर्ट ऑलरेडी हो चुका है, हमारे फोटो के ऊपर से सारा ब्लर हट गया है। तो अब गाइज करना है कि ये जो 100% हमने रख रखा है ब्रश, इसी को आपको लेके सिंपल आपको फोटो को जूम करके इस तरीके से आपको जहाँ जहाँ आपको ब्लर चाहिए वहाँ पर आपको इस तरीके से अप्लाई कर लेना है।
तो मैं यहाँ पे अपने बैकग्राउंड को ब्लर रखना चाहता हूँ, इसलिए अपने बैकग्राउंड को जो है ब्लर कर रहा हूँ अच्छे से। और जहाँ आपका एक्स्ट्रा मतलब निकल जाए तो इस तरीके से मतलब एरो माइनस में करके आप इरेज भी कर सकते हो। एंड गाइस देख सकते हो हमारा ब्लर बहुत ही अच्छा खासा हो चुका है, एकदम बिल्कुल रियलिस्टिक ब्लर लग रहा है ना। तो आप लोग भी इस तरीके से ब्लर कर लेना। एंड हमारा देख सकते हो फोटो बहुत ही गजब का बन चुका है यहाँ पे, बस हमारा फेस थोड़ा सा ठीक ठाक अभी करना है, तो हम करेंगे अभी बाद में, देखते रहो। तो गाइस हम सबसे पहले HDR वाले ऑप्शन में आएंगे, इससे क्या होगा ना हमारे फोटो में भाई एक CV वाला एडिटिंग वाला एक लुक मिल जाएगा, एकदम फोटो में हमारा पूरा जो है चमक आ जाएगा, गजब का दिखने लग जाएगा। तो आपको गाइस HDR स्कैप भी जो है नॉर्मली यूज़ करना है, मतलब सैचुरेशन को थोड़ा ज़्यादा रखने की कोशिश करना, एंड फिल्टर जो है इसका आपको हल्का सा कम कर देना। एंड चलेंगे सिंपल हम अंडो वाले ऑप्शन पे। एंड इस पे भी हम अंडो वाले ऑप्शन पे गाइस क्यों चल रहे हैं मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि देख सकते हो गाइस हमारे फोटो में जो हमारा फेस है ना भाई बहुत ही बेकार सा दिख रहा है। हमने मतलब ये इफेक्ट जो है सारे हमने बैकग्राउंड पे तो अच्छे लग रहे हैं, कपड़े पे भी अच्छे लग रहे हैं, बट हमारे स्किन पे आ रहा है ये इफेक्ट बिल्कुल ही बेकार सा लग रहा है ना, बुड्ढो सा लग रहा है। तो इसे हमें जो इफेक्ट को इरेज कर देना है अपने फेस के ऊपर से सिर्फ। ओके एंड गाइज आपका भाई यार आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता है यार आप लोगों को एडिटिंग सिखाने के लिए, तो यार इसके लिए एक लाइक नहीं कर सकते यार, एक छोटा सा लाइक बटन दबा दिया करो यार, और कुछ नहीं जाएगा आप लोगों का, बस लाइक कर दिया करो। एंड गाइज लाइक करते हो ना तो यार पता है आप लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, बट मैं मोटिवेट हो जाता हूँ एंड आप लोगों के लिए ना यार बहुत ही मतलब और भी एक्साइटिंग वीडियोज़ लाने का मन करता है मुझे, आप लोग प्यार दिखाते हो तो, है ना। तो आप लोग भी अच्छी अच्छी फिर एडिटिंग सीखोगे, जितना लाइक करोगे जितना अच्छा एडिटिंग सीखोगे, है ना। तो लाइक कर दिया करो। एंड गाइस कोई प्रॉब्लम वगैरह आता है ना तो मुझे कमेंट कर लेना, और कोई क्वायरीज मतलब एडिटिंग वगैरह करवाना होता है तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर लेना, DM कर देना, मैं पेड एडिटिंग करता हूँ गाइस बट। ओके एंड यहाँ पर गाइस आप लोगों को करना क्या है, इतना करने के बाद सिंपल आपको यहाँ से आप कर लेना है फोटो को शेप। एंड गाइस हम लास्ट स्टेप में जो है अपने फोटो को ओपन करेंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में, जहाँ पर हम अपने फेस को ठीक ठाक बहुत ही मस्त बनाने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस हमने फोटो को जो है अपने ऑटोडेस्क में ओपन कर लिया है। एंड गाइस ऑटोडेस्क में आने के बाद नॉर्मली जो है आप लोगों को करना क्या है, ब्रश वाले ऑप्शन में आना है सबसे पहले। एंड हम अपने फेस को स्मूथ करने के लिए गाइस ये वाला ब्रश लेंगे इस मर्ज में आके, एंड इसकी सेटिंग में आना है। एंड यहाँ पर गाइज आप लोगों को जो सेटिंग में बता रहा हूँ वही सेम टू सेम आपको रखना है, चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके रख लेना वीडियो में से। एंड यहाँ पर इस तरीके से फिर आपको साइज सेट करके अपने फेस के ऊपर इस तरीके से अप्लाई करना है, इस फिर आपका फेस जो है स्मूथ होने लग जाएगा बहुत ही अच्छा खासा। एंड गाइज देख सकते हो हमारा फेस बहुत ही अच्छा खासा स्मूथ हो चुका है, बट अब जो है इसे हम फोटो में जो हमारा फेस है भाई ओरिजिनल से मतलब हम हीरो बनाने वाले हैं बंदे को। तो गाइज हीरो कैसे बनाना है, एक एम्पटी लिया लेना है एंड इसका ब्लेंडिंग मोड आपको सॉफ्ट लाइट पे कर देना है सबसे पहले। ओके एंड हमारा फेस बहुत ज़्यादा डार्क है तो इसके लिए करना है क्या, आपको एक ब्रश लेना है ये वाला, मैं बता दूँ यहाँ पर ट्रेडिशनल नाम है, ठीक है ट्रेडिशनल ब्रश में आना है। एंड ये वाला आपको ब्रश सेलेक्ट करना है, इसमें पेंसिल जैसा दिख रहा है ये, एंड इसकी सेटिंग भी आपको सेम रखना है, साइज तो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। एंड फिर आपको कलर वाले ऑप्शन में आना है एंड कॉपी कलर के अंदर आना है आपको, एंड यहाँ पर आपको ये वाला कलर का ही सिलेक्ट करना है, ठीक है सेकेंड नंबर पे देख लो। ओके अब सिंपल ऐसे कट करेंगे एंड इस तरीके से गाइज आपको आप अपने फेस के ऊपर ये कलर अप्लाई करना होगा, ठीक है। बहुत ही मतलब अच्छा खासा आपका फेस जो है ग्लो करने लग जाएगा, देख सकते हो गाइज बिफोर एंड आफ्टर आप लोगों को अब भी से मतलब फ़र्क दिख रहा होगा, कितना फ़र्क आ रहा है हमारे फोटो में, है ना। तो इसी तरीके से आपको अपने पूरे स्किन पे अप्लाई कर लेना है इस कलर को। अब गाइस देख सकते हो हमारा कलर अप्लाई करने के बाद बहुत ही अच्छा खासा हमारा फेस दिख रहा है। अगर आपको ये कलर गाइस ज़्यादा लगे आपके फेस पे तो आप इस लेयर का जो है ओपेसिटी कम करके थोड़ा सा कम भी कर सकते हो। ओके बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ से सिंपल आपको इसे कर लेना है मर्ज। ओके
आप गाइस हमारा देख सकते हो फेस बहुत ही अच्छा खासा चमक चुका है। अब हमें करना क्या है गाइस, एक और एम्पटी लेयर लेना है एंड इसका भी ब्लेंडिंग मोड गाइस हमें इसका भी सॉफ्ट लाइट पे आपको कर देना है। एंड सॉफ्ट लाइट करने के बाद आपको कलर गाइस इस बार रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है, रेड और ऑरेंज के आसपास। एंड इस तरीके से आपको इस बार कलर अपने जो है लिप्स के ऊपर अप्लाई करना है। बहुत ही बढ़िया, बट हमारा गाइस यहाँ पर देख सकते हो लिपस्टिक जैसा लग रहा है पूरा प्रॉपर, तो इसका भी हम ओपेसिटी जो है कम करेंगे। एंड यहाँ पर हम इतने पे रखते हैं एंड बहुत ही बढ़िया लग रहा है अब हमारा, है ना। अब गाइस देख सकते हो एक और हमने एम्प्टी लेयर बनाया एंड इसका ब्लेंडिंग मोड गाइस इस बार आपको ओवरले पे रखना है। ओके, ओवरले पे रखने के बाद इसमें आपको कलर में चलना है एंड इस बार आपको ब्लू कलर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका फेवरेट कलर हो। एंड इस तरीके से आपने सनग्लासेस पहन रखा हो तो अपने सनग्लासेस के अंदर आपको कलर अप्लाई कर लेना है। बहुत ही बढ़िया, देख सकते हो गाइस यहाँ पर हमारा जो है कलर अप्लाई करने के बाद बहुत ही मतलब क्या ही बताओ गजब का हमारा फोटो बन चुका है। एंड हमारा फेस भी बहुत अच्छा ग्लो कर रहा है एंड हमारा मतलब मेकअप वगैरह हमने सब चीज़ कर लिया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा यार, वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आप लोग और भी ऐसी एक्साइटिंग वीडियोज़ देखना चाहते हो फ्यूचर में तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। जब तक के लिए बाय।